तो अभी तक मेरी भविष्यवाणी ठीक से हुई है भाई, अब आप लोगों के हाथ में है कि मेरी भविष्यवाणी को अच्छी सिद्ध करोगे कि नहीं करोगे। क्योंकि यहां तक जो आप आए हैं, ये चुनौती जो थी पर इतनी बड़ी नहीं थी, जैसे बिहार में जो कल होने जा रहा है उसके बाद चुनौती शुरू हुई। अभी दो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, एक तो आ गया अमेरिका का, तो अब की वहां जो है बिडेन सरकार जीत गया। अरे हमारा कुछ नहीं, मुझसे मैं पूछ रहा था कि जी इंडिया का क्या फर्क पड़ेगा रिलेशन में, ट्रंप हार गया आपने तो ट्रंप को समर्थन दिया था। मैंने कहा नहीं, हमारा कोई रिलेशन खराब नहीं होगा, हमने तो चुनाव से 6 महीने पहले बुला के ट्रंप को कह दिया था नमस्ते नमस्ते। एक आदमी में अहमदाबाद में हमसे कोई पूछेगा आप कहेंगे सबसे पहले हमको पता था। यस भाई वो हारेगा, तो हमने पहले ही बुला के कह दिया था नमस्ते भाई साहब, हो गया। लेकिन चलिए, एक बड़ा मनोरंजन सा होता रहता था जब जब बोर होते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्विटर देख लेते थे, हंस लेते थोड़ा। अब वो भी बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चुनौती आपके इस परिवार की, इस वेलनेस परिवार की अब शुरू हो रही है, क्योंकि जहां आप पहुंचे हैं 250, 300, 400, 500 तक, यहां सपने देखने वाला हिंदुस्तानी अगर थोड़ी सी मेहनत करे और उसे अच्छी टीम मिल जाए और वो ईमानदारी से काम करे तो अक्सर पहुंचता है। बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग इस जगह तक आते हैं। मैंने सचिव से भी ये कहा, क्योंकि उससे आयु में छोटे हैं, छोटे भाई की तरह है, मेरे गांव से थोड़ी दूरी उनका गांव है जहां मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, मतलब 10-12 किलोमीटर दूर हम हैं। अगर समान एज के होते तो एक ही गांव की लड़कियों के पीछे जा रहे होते, ऐसा होता है। लेकिन भैया ले जाओ इसे, ले जा बेटा, जहां के हम हैं वहां के तो उतार कर ले जाते हैं। जिस इलाके के हैं वहां के चौधरी तो भाई लोग क्या चिड़ा सब में, तुम कितनी भी वेलनेस कर लो हमारे यहाँ के आदमी के समान बड़े जी में। हमारे मोदीनगर के, पलक के, मेरठ के चौधरी साहब अगर बीमार हो जाए, एक हमारे चौधरी साहब हैं परिचित मेरठ में, बड़े आदमी है साहब, 100-150 करोड़ के, उनके दादाजी 88 साल के हैं, अब उनके कुछ यहाँ पेन सा हुआ तो हमने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर त्रियान साहब से मेदांता में, भाई साहब आप देख लो जरा, बड़े आदमी है और बेचारे बड़े अच्छे आदमी है। तो डॉक्टर साहब ने उन्हें बिठाया और पूछा, हाँ अंकल तो क्या प्रॉब्लम होती है आपके, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? दादाजी ने वो बात बताई कि डॉक्टर त्रिहन जैसा हार्ट स्पेशलिस्ट दुनिया की क्या बात है। दादाजी से पूछी हार्ट के, दादाजी क्या प्रॉब्लम होती है? पता नहीं भाई, यहाँ धुम्मा सा उठे हैं। हम ढूंढ ले क्या उठे हैं। हमारे यहाँ तो बीमार भी ऐसी बात बताता है आदमी को, डॉक्टर कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो हमारे यहाँ के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। जैसे मेरा एक कजन है, छोटा भाई है मेरा, वो हमारे कॉलोनी के कोने पर इसका हॉस्पिटल है, MBBS MD है, आगरा से पढ़ा हुआ मेडिकल कॉलेज से, और किंग जॉर्ज से MD की। अब उसके पास एक ताई जी आती है 70-72 साल की आती है, वो दो चीजों से परेशान है, एक तो अपने पति से और एक घुटने के दर्द से। अच्छा, दोनों की शिकायत वो डॉक्टर से करती है, तो कई बार डॉक्टर पता नहीं चला पाता कि बात क्या कह रही है। भाई जवानी तो निकाल ली इसके साथ, अब ना बैठा जा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा घुटने की कह रही है कि कच्ची की कह रही है। तालियां कम बजाते हो आप। अच्छा, वो बेचारा समझने की कोशिश करता, हाँ ताई जी फिर क्या।